आजम के नाम पर इत्तेफाक हो गया कि कौन वजीर आजम होगा? हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक में वोट देने का फैसला किया है, मैं उनका बहुत हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टी भी कमेटी बनाएंगी और वो कमेटी जो है वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। हो गया क्या फार्मूला तय पाया है, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, सदर की सीट पर कौन आ रहे हैं, स्पीकर नेशनल, ये बिल्कुल बामी मुचावर से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। देखिए बात यह है, मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से आपको याद होगा कि मैंने कहा था हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ, और आज तक आज दोपहर को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कहा और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात, और दूसरा बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से मियां नवाज शरीफ की मशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। मैं किसी नजर से नहीं देखता, अगर उन्होंने आज़ाद जो वहाँ पर मेजॉरिटी अगर उनको नामजद किया है तो उनका हक है, तो उसकी जो भी उनकी फैसला जो करते हैं हम उसका एहतराम करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब अगले सदर पाकिस्तान होंगे या नहीं, प्लीज मैं आप कि मैं हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ये बताएगा कि ये जो इत्तेहाद है ये सिर्फ वफाक की हद तक है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपकी जमात जो है वो दूसरे नंबर पर है और इसके अलावा जरदारी साहब की जो जमात है वो पंजाब में भी सीटें रखती है, या ये इस वक्त हम वफाक की बात कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है, उनका इस्तेहकाम के वो फैसला करेंगे, पंजाब में हमारी मेजोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी, वो मैंने भी इसका ऐलान कर दिया, और बाकी सूबों के हवाले से जो जिस तरह जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी हवाले से उनको हक पहुंचेगा कि वहाँ पर वो अपने वज़ीर आला नॉमिनेट करें।